Finally. नहीं चढ़ा तुम्हारा बाथरूम यूज करने का। मेरे बाथरूम में पानी नहीं आता। रिया ने बोला ये वाला यूज कर सकता हूँ। रिया के अलावा मैं भी ये कमरा यूज करती हूँ। ओके, और मैंने तुम्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिस्ट दी थी ना, तो उसमें एक रूल था कि तुम बाथरूम में नहीं आ सकते हमारे। गेट आउट। अजीब लड़की हो तुम। सुबह सुबह किसी आदमी को बाथरूम जाना होगा, तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिस्ट चेक करेगा। लेट मी फिनिश। नो, तुम किसी और के कमरे में जाओ। लिसन, मैं ऑलरेडी लेट हुई हूँ रिया की वजह से, अब तुम्हारी वजह से लेट हो सकती। गेट आउट, गेट आउट। उसका क्या? Shut up. You shut up. You shut up. Mama, Ria, Mama. काम करो। ऐसे कोई नहीं सुनेगा, उनको फोन करो। मिस्टर मिरांडा, हम लोग बाथरूम में हैं। कौन सा सेन इंसान बाथरूम में सेलफोन लेके आता है? Lovely. पूरी जान निकल गई धूप में। 4 घंटे तक पैदल चलवाया इसने मुझे। ऑलरेडी पैसों की इतनी प्रॉब्लम है और आप लोग इतनी सारी शॉपिंग कर लाए, सोचना चाहिए था ना क्या जरूरत थी। इन सब के बिना भी तो काम अच्छे से चल रहा था ना। ये कुछ भी नहीं है, ये मैडम को तो हर एक दुकान से खींच खींच के निकालना पड़ा था। ये तो पूरा जौहरी बाजार खरीदने के मूड में थी। अच्छा, और आपने तो कुछ लिया ही नहीं। ये देखो,
रिया रिया क्यों फैला रही है सब यहाँ? अरे 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 ये क्या एग्जीबिशन लगा रही है यहाँ? और देखो ये कप्स प्लेट्स कहाँ है वो कैटल? अरे 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 ये मुझे दे। अरे ये तो मैं कैंटीन के लिए लाई हूँ। आवा देख ये देखिए कैटल, वो क्या कहते हैं क्लासी, कितनी क्लासी है ना। इसे यहाँ जार्स के बगल में रखेगी ना बहुत सुंदर लगेगा, नहीं आभा? माँ बहुत सुंदर है, लेकिन ये केटल के बिना भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था ना। रुको रुको आभा दी, ये भी देखो, ये तो बेस्ट है। ये किसके लिए माँ? अरे ये तो मिसेस शर्मा के लिए, और वो अंदर जो है गिफ्ट वो सारिका के लिए। उस दिन वो भी तो लाई थी ना मेरे लिए गिफ्ट। एक चीप सी विस्की की बॉटल और मुरझाए हुए फूल ही तो दिए थे। जो भी हो गिफ्ट तो था ना। देख मुझे मिसेस शर्मा से मिलने जाना होगा निखिल की सगाई की बधाई देने के लिए, तो खाली हाथ तो नहीं जा सकती, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ ले लूं। इयररिंग सुंदर है ना? हाँ माँ बहुत सुंदर है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेने की क्या जरूरत थी? एक सिंपल सा मिठाई का डब्बा दे देते, उससे भी तो काम चल जाता ना। सिंपल सी मिठाई के डब्बे से क्या होगा, वो तो उनकी बेस्ट फ्रेंड है ना, उनके लिए एक्सपेंसिव चीज लेनी जरूरी है। तुझे मेरी हर एक बात में टोकना जरूरी है? रहने दे, ये सारा मैं अपने पास रखूंगी, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। नो नहीं, नो नहीं, नो वे, स्टॉप इट यू डू। आप छोड़ छोड़ रिया, 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 छोड़ आप छोड़ रिया, लीव, आप छोड़ लीव, व्हाट इज इट, छोड़ नहीं। हाँ क्या है ये सब? रिया तू एकदम चुप रहे, बच्चों के जैसे लड़ रहे हो तुम दोनों। अच्छा आप दोनों ने लंच किया? नहीं। तो खाना मंगवाओ और चुपचाप बैठ के खाओ, कंप्लीट साइलेंस होना चाहिए। मैं किचन में जा रही हूँ और मुझे अगर जरा सी भी आवाज सुनाई दी ना तो ये सारा सामान मैं अपने पास रख लूंगी, आप दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। सब तुम्हारी गलती है। मेरी गलती है? अगर 2 मिनट बाहर पेशेंटली वेट कर लेती मेरे बाहर निकलने का तो क्या हो जाता? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, तुम्हारे जैसे मेरे पास दुनिया भर का टाइम नहीं होता। वाह, तो इसके लिए किसी को बाथरूम से नहाते हुए बाहर निकाल दो, राइट? अब जाइए मिस कोहली, लेट नहीं हो रहा आपको। शट अप, नॉट वन मोर वर्ड फ्रॉम यू। वरना क्या? वरना तुम आगे क्यों आ रहे हो? पीछे जाओ। Stop it! And break your head. Oh, I'm so scared. You better be. अब अच्छा लग रहा है, खाना बहुत अच्छा था आवा। हमेशा अच्छा बनता है माँ। I'm so tired. मैं घर जाके सीधा सोऊंगी। नहीं, आप कहीं नहीं जा रही है मैडम, आप हमारी हेल्प करेंगी कैंटीन में, बहुत काम है। यार दी मैं बहुत थक गई हूँ। रिया बस 2 घंटे की बात है, उसके बाद तुम्हारा आ ही जाएगी ना। माँ संभाल लेंगी, इनको बोलो। मुझे पहले बहुत काम है। अच्छा हाँ, मिसेस शर्मा के यहाँ जाना है ना अभी। लेट हो रहा है, आभा मैं निकलती हूँ, इनसे जरा कह देना जरा बैग वगैरह बाहर दे दे। चलो बाय बाय, जाओ काम करो। राजेश मयंक हेल्प कर दो ये बैग के साथ माँ को, ठीक है? बाहर गोलगप्पे नहीं खाए थे क्या, जो कि गोलगप्पे जैसा मुंह बना के बैठी है? चलो उठो, चलो कम ऑन, गेट अप, गेट अप, बहुत काम है किचन में। दी मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी। रिया उठ जा, चल उठ जा, उठ जा, कितनी हॉट लग रही है यार तू, चल काम कर ले। चलो कितना टाइम लगेगा? कर रहा हूं ना, अगर तुम चुप रहोगी तो मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं होगा। पिछले 4 घंटे से तुम यही बोल रहे हो। और पिछले 4 घंटे से तो तुम चुप भी नहीं हुई हो।
अगर हो गई होती तो दरवाजा खुल गया होता। फाइन, थैंक यू वेरी मच। बड़ी जेम्स बॉन्ड बन रहे थे। किस पागल लड़की के साथ फंस गया मैं? स्टॉप ओवर एक्टिंग। हाँ निखिल बोलो। हाँ आभा दी, वो मैंने योगेश से बात कर ली है, वो केटरिंग के पेंडिंग बिल्स क्लियर कर देगा 2-3 दिन में, लेकिन आप भी उसे फोन लगा लेना। हाँ ग्रेट, मैं कॉल कर लूंगी। या मैं भी शाम तक घर पहुंचता हूँ, फिर बात करते हैं। क्यों, अभी तुम घर पे नहीं हो क्या? नहीं, बाहर हूँ। क्यों, कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, ऐसा सच कोई काम नहीं था। माँ जा रही है तुम्हारे घर, तुम्हारी माँ को शादी की बधाई देने। What? हाँ, माँ को सारिका बहुत अच्छी लगी है ना, तो उन्होंने सोचा कि तुम्हारे घर पे जाके आंटी जी को पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेट कर दे। सीरियसली? इनफैक्ट उन्होंने तो उन लोगों के लिए गिफ्ट्स भी लिए हैं। अच्छा है ना निखिल, दोनों फैमिलीज के डिफरेंसेस भी खत्म हो जाएंगे। अरे डिफरेंसेस नहीं दी, मैं खत्म हो जाऊंगा। आप एक काम करो, आप आंटी को रोक लो जैसे तैसे, आप उनको फोन करके बोल दो मेरे घर पे ना आए। मगर ऐसा क्या हुआ है? अरे दी, आप समझ नहीं रहे हो, बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। पंगा? कैसा पंगा हो जाएगा? अरे ऐसे कैसे समझाऊं आपको। निखिल तुम साफ साफ बोलो ना, हुआ क्या है? अरे दी मैं, अरे भाई साहब ये देखो कितना ट्रैफिक जाम करके रखा है, आगे लो ना गाड़ी। हाँ बस निकल रहा हूँ। ला क्या जोड़ो जल्दी। अरे निकल रहा हूँ भाई, निकल रहा हूँ। क्या हो क्या रहा है? कुछ नहीं दी, यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया, मैं अभी बात नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करूंगा, प्लीज आंटी को रोको प्लीज। ओके ओके निखिल, डोंट गेट हाइपर, मैं माँ को फोन करती हूँ। या 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 या, बाय बाय। यार इनका फोन क्यों ऑफ है? फोन बज रहा है। और कुछ दिया भी नहीं है, बाथरूम में कितना मैसी करके रखा है। हेलो, सब कुछ सुनाई पड़ रहा है? ओके, जो बोलना खुल के बोलो। इतना इतराओ मत, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। बाथरूम में कुकीज रखती हो? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? नो, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गुड, कैन आई हैव वन? लिसन, मैं भी यहाँ 4 घंटे से फंसा हूँ, ओके? आई एम आल्सो हंग्री। गेट योर ओन कुकी, जा। व्हाट इफ आई से सॉरी? क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। What if I say sorry? Stop mumbling. थोड़ा जोर से बोलो। क्या? Okay, fine. I'm sorry. I apologize now. Just one? Thanks. Usually welcome, but not here. पता नहीं आ रही है, टाइम क्या हो रहा होगा? पता नहीं, शायद 2 बज रहे होंगे। रिया और मम्मा भी कहाँ फंस गए? आबादी भी परेशान हो रहे होंगे, और अब तो मैं कैंटीन भी नहीं पहुंच। वो लग गया। थैंक्स। या मुझे मार डालेगी। ये रिया का था? हाँ, she's a cookie addict.
बचपन में मेरी और रिया की खूब लड़ाई होती थी पुलिस को लेकर, और हमेशा वो यहाँ पर ही छुपा कर रखती थी। अभी तक आदत गई नहीं है उसकी। आज भी कोई प्रॉब्लम हो तो इट्स लाइक हर इमरजेंसी स्ट्रेस रिलीविंग किट। अच्छा? हाँ, शादी के टाइम तो बाहर कम और यहाँ ज्यादा दिखती थी। पूरी पागल हो गई थी वो, मैड। Then what really happened? What? उसकी शादी? Don't know, she just flipped her mind and cancelled the wedding. इसलिए तो मुंबई छोड़कर यहाँ आ गई, सब कुछ संभालने अपनी फैमिली के लिए। और तुमने वो चैनल का जॉब भी छोड़ दिया। मायरा, आई नो मेरे बोलने से तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट इट्स जस्ट आई रियली एडमायर योर करेज एंड सेल्फलेस एटीट्यूड। तुमने जो फैमिली के लिए किया, इट वाज ग्रेट। थैंक्स, बट इट्स नॉट अ बिग डील। कोई भी यही करता। नो आई नो, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैंने माँ को कितनी बार फोन किया, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और मायरा भी फोन नहीं उठा रही है। नहीं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी यहाँ से यू टर्न ले रहा हूँ, मैं जयपुर छोड़ के जा रहा हूँ। I'm ruined, Deep. I'm ruined. I'm telling you. निखिल, I'm not understanding. इतनी क्या बड़ी बात हो गई है? अरे दी, अब क्या बताऊँ आपको? Listen to me. Do you want me to help or not? Yeah, maybe. What the hell, निखिल? तुम कुछ बता नहीं रहे हो, तब से रोए जा रहे हो। मैं करूँ तो करूँ क्या? बताओ तो सही, हुआ क्या? अरे दी, एक्चुअली सारिका मेरी फियांसे नहीं है। वो? या ये सब मायरा का आइडिया था, उसने मुझे बोला था कि ऐसा करने के लिए। उस दिन जब मैंने कबीर को देखा आपके घर में, आई फेल्ट वेरी बैड, सो मेरे गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया कि आई एम एंगेज। निखिल, तू पागल हो क्या यार? दी प्लीज, अब आप गुस्सा मत हो यार। मुझे बहुत गिल्टी फील हुआ था बाद में, और फिर मैंने सोचा कि मैं आपको सब कुछ सच बताऊं, लेकिन मायरा ने मुझे रोक दिया, और उसी ने सारिका को भी कन्विंस किया मेरी हेल्प करने के लिए। अब ये सब चक्कर माँ को नहीं पता है, आंटी घर आके बता देंगी तो आई एम फिनिश्ड फॉर एवर। दी जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे सारिका से, व्हिच आई डोंट वांट टू डू। जरा सी भी अकल है कि नहीं? पहले क्यों नहीं बताया ये सब, इडियट। दी प्लीज डू समथिंग यार। मैं क्या करूं, माँ का फोन स्विच्ड ऑफ आ रहा है मेरा। ओके फाइन, मैं कुछ करती हूँ। जस्ट डोंट वरी यार, रीच होम एज क्विकली एज पॉसिबल। ओके? या आई विल डू दैट। या ओके ओके दी, बाय। राजेश, मयंक। यस मैम। लिसन टू मी केयरफुली, हाँ? रिया किचन में है, उसको यहाँ पे उलझाए रखना। ठीक है। किसी भी हालत में वो घर नहीं आनी चाहिए। ओके 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 ओके, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा करो। जी मैम, पर आप कहाँ जा रहे हैं? मैं घर जा रही हूँ, तुम यहाँ पे संभाल लो। ओके। वो घर नहीं आनी चाहिए। ओके मैम, डन। हम लोग खिड़की से बाहर जाकर बाहर से दरवाजा खोल सकते हैं। गुड आइडिया, तुम चढ़ो, मैं हेल्प करता हूँ। मैं क्यों चढ़ूं? तुम चढ़ो। मैं इस हालत में? मैडम, इज्जत बचाने के लिए सिर्फ एक टॉवल बचा है। ओके, खिड़की से बाहर निकलते वक्त अगर ये भी निकल गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। कबीर, टू मच इन्फॉर्मेशन प्लीज। फाइन, डू इट ऑन योर ओन। फाइन, मैं ही जाती हूँ। Serious? Help me, yaar. What the hell? Put me down. उतारो मुझे. Don't touch me again, okay? अजीब mental case हो. Touch भी ना करूं और help भी चाहिए. दोनों चीजें कैसे possible हैं? God.
लड़की के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैंने कुछ सोच समझ कर ये आइडिया दिया था। हाँ हाँ, तुम तो हो ही मिस गूगल। शट अप। एनीवे मिस कोहली, अब क्या करने का इरादा है? व्हाट डू यू मीन? एक ही सॉल्यूशन। तुमने क्या सोचा? खिड़की बहुत छोटी है बाहर निकलने के लिए। So? Let's break it. उसके बाद यहाँ इतनी स्पेस बन जाएगी, तुम आराम से बाहर निकल सकती हो। Okay. Wait. खिड़की तोड़ने के बाद मुझे तुम्हें उठाना ही पड़ेगा बाहर निकलने के लिए, ओके? So, अगर तुम्हें कोई इश्यू है अभी बता दो। Let's not waste time and energy in breaking it, okay? मुझे उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घोड़ा भी बन सकते हो। What? Let's break it first.